सुधा रानी गुप्ता आज आपको बनाना सिखाएंगे करेला साखे। आइए देख लेते हैं इसकी सामग्री। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बाउल मैदा, एक छोटी चम्मच हींग, दो छोटी चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, लाइट ऑयल, साफ पानी। आइए आगे तैयारी करते हैं बनाने की। एक बड़े बाउल में ये मैदा डाल लेते हैं। इसमें अजवाइन डालते हैं। अजवाइन कुछ इस तरह ले, देखिए हाथ में इस तरह ले लिया और ऐसे कस के रगड़ दीजिए, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। डाल देते हैं नमक आप स्वाद अनुसार डालें। इसमें ऑयल डालते हैं, इसको वहां से इसे मिला दीजिए। मेरा मिल गया है और इसमें इसका पता इसे लगता है मोइन का कि आप हाथ में लेके उसको अच्छे से इसका दबाइए, क्योंकि अगर लड्डू बन जाता है तो आपको मोइन एकदम से। अब हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए, थोड़ा सा कड़ा आटा ही पड़ता है। ये देखिए मेरा अच्छा सा आटा ही मढ़ गया है। आटे की पहचान है जब आप इसको खींचेंगे, हल्का सा इसमें लम्स आता है। इसको अच्छे से मान लिया है, अब इसको बना लेते हैं छोटी छोटी लोइयां। देखिए हम सारी लोइयां बना लिए हैं, अब आइए इसको बेल लेते हैं। देखिए मेरा बेल गया है, अब आइए इसको हम काट लेते हैं। काटिए आप बहुत आराम से। ये देखिए मेरा पूरा कट गया है। और जो काटते समय ध्यान रखिए कि यहाँ साइड का इधर साइड का आप थोड़ा थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, इसी चप की सहायता से हम इसको ऐसे घुमाते रहेंगे। ये आप उंगली और चाकू दोनों साथ इस्तेमाल करिए साथ में। देखिए अच्छे से हमने मोड़ दिया है, अब इसको हाथों की सहायता से ये दो उंगली ऐसे नीचे लगाइए, ऊपर अंगूठा, और इसको हल्का सा दबा दीजिए इस तरह, और इसको उठा के इधर भी ऐसे घुमा दीजिए। अभी मेरा देखिए करेला बन गया है, इसको हम रख देते हैं साइड में और इसी तरह हम सारे बेल लेते हैं। देखिए मेरे सारे करेले बन गए हैं, चलिए अब इसको हम तल लेते हैं। ये देखिए मेरा तेल हल्का सा गर्म हो गया है। तेल गर्म देखने के लिए हम एक जरा सा इसमें आटा डालते हैं। देखिए आटा मेरा नीचे बैठ गया है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल।
अब इसमें हम ये अपने जो करेला बनाए हुए हैं इसमें धीरे से डालिए। आप चेक कर लिए अगर कोई भी खुला हो किनारा तो उसको आप फिर से दबा लीजिए तभी डालिएगा। और ये गोल्डन ब्राउन तक सेकना है, इस टाइम कम से कम 10 से 15 मिनट इसमें लग जाएगा सेकने में। ये देखिए मेरे दोनों तरफ अच्छे सेक गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब बाकी जो है ना इसको हम अच्छे से निकाल लेते। देखिए हल्का सा कलछी टेढ़ी कर दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा तेल इसमें है वो इसी में कढ़ाई में ही चला जाए। इसको धीरे से निकाल लिया देखिए आप। और बाकी हम जो है इसमें इसी तरह डाल देंगे। डालते समय आप जरूर ध्यान रखिएगा कि बहुत धीरे से डालिएगा, गैस को एकदम धीमी रखिए, हल्के हाथ से हिलाते रहिए बस। ये सारे करेले मैंने तल लिए हैं, अब चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। करेला साखिये तैयार है। आप भी अपनी किचन बनाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको कुछ बातें हमसे शेयर करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ध्यान रखिए जब ये रेसिपी आप बनाए तो आटा थोड़ा कड़ा मारे और जब तलना आप तलना चाहते है तो इसमें धीमी आँच में ही तले। इसको स्टोर करके भी 10-15 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं। मैं सुधा रानी गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।